तकनीकी अनुसंधान समिति लखीमपुर खीरी के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के एम अमीश जी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें महिला सशक्तिकरण को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो की लगभग 8 लाख की संख्या में है, उनकी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित कराया गया, जिसमें संस्था के द्वारा मुख्य मांगे यह हैं कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन बढ़ाया जाए, मासिक मानदेय के भुगतान का समय सुनिश्चित किया जाए, गर्मियों की छुट्टी में छूट दी जाए और सभी जनपद में आंगनबाड़ी केंद्र जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाए, प्राथमिक उपचार के लिए उपचार किट पुनः उपलब्ध कराई जाए जो कि अधिकतर प्रदेशों में सरकार द्वारा बंद करा दी गई है। मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद अहमद मोहम्मद अजीम, राष्ट्रीय व उप महासचिव अनिल पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष इस्तिया काली, मंडल प्रवक्ता संजय धीमान, प्रदेश उप मीडिया प्रभारी बिपिन चंद्रा, जिला महासचिव हरहीन बानो, जिला मीडिया प्रभारी शिवम दीक्षित, जिला कोषाध्यक्ष नाजनीन अंसारी, जिला संग्राहक रेशमा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे लखीमपुर खीरी से। जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकील की खास रिपोर्ट। जो उनको छुट्टियाँ प्राप्त होना या जो उनको सुविधाएं मिलना, उस सुविधाओं के बारे में, साथ ही साथ उनको द्वितीय माँ का दर्जा प्राप्त कराना, ये सारी जो मांगे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, उन मांगों को पूरा करने के लिए, उन मांगों का ध्यान सरकार का अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति आज जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित है, जहाँ पर हम ये अब शासन से मांग चाहते हैं कि वो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री बहनें हैं हमारी, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके मांगों को आगे बढ़ाएं।